हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और इस फेस्टिव सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो लुक मैंने क्रिएट किया है, ये सिग्नेचर ब्लैक स्मोकी आई लुक है। बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है और आप बहुत अच्छे से इसको पेयर अप कर लोगे। ये वाला जो लुक है ना, ये आप बहुत अच्छे तरीके से आपके वेस्टर्न वियर के साथ साथ ये एथनिक वियर और फ्यूजन वियर के साथ भी चला जाएगा। सो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का टोनर और मैं इसको अच्छे तरीके से स्प्रे कर लूँगी। ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है, प्लस पोर्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। देन मैं एक निविया का फेस क्रीम ले रही हूँ। ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है और ये भी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देगा और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। इसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू हेवन का लिप बाम। इसको भी मैं लिप पर अच्छे से अप्लाई कर दूँगी ताकि जब हम लिपस्टिक अप्लाई करें तब हमारा लिपस्टिक चैप ना लगे। देन मैं पोर्स के को क्लोज करने के लिए या उसको ब्लर करने के लिए मैं शुगर का प्राइमर ले रही हूँ। एंड देन प्राइमर को लेके मैं अपने टी जोन पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि जो भी मेरे ऑयल सिक्रीशन होते हैं वो ना हो और बहुत अच्छे से फाउंडेशन को एक बेस मिल जाए। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ शुगर का कंसीलर। शुगर का ये शेड नंबर है 40 ब्रीफ एंड बहुत ही अच्छा कंसीलर है। आप देख सकते हैं इससे मेरे जो स्पॉट्स है उसको बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। एंड अगर मैं बात करूँ इस कंसीलर की तो बहुत ही एक हाई कवरेज कंसीलर ये है। तो आप इसको अगर आप फाउंडेशन अवॉइड करना चाहते हो तो आप इसको भी अगर लगा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से अपने आईलिड्स पे, अपने जो थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स है उस पर मैं अप्लाई करके मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड इसका जो कवरेज है वो भी कवरेज काफ़ी अच्छा कवरेज है इसका। बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत ईजी टू बिल्डअप भी है। तो आप यह आपको मतलब मीडियम टू हाई कवरेज में जैसा आप बिल्टअप करोगे आप को ये कवरेज दे देगा। एंड देन आप देख सकते हो कि जो मेरे स्पॉट्स मार्क थे ना पिंपल्स के, वो भी इसने बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। मुझे कोई भी कलर करेक्टर या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो इसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ब्लेंड करने के बाद अब बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ फुल कवरेज फाउंडेशन जो कि है मेबलिन का सुपर स्टे 310। ये शेड सन बीच है, मतलब मीडियम टू डार्क स्किन टोन के लिए ये बहुत अच्छे से चला जाएगा। तो और प्लस ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन है, तो ये बहुत अच्छे से आपके जो भी स्पॉट मार्क्स होते हैं ना वो भी आपके कवर कर देता है। तो मैं इसको फेस में बहुत अच्छे तरीके से लगा के मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रश के हेल्प से ही इसको प्रॉपर बिल्ड कर लिया है। नाउ अब मैं सेम अपना कंसीलर ले रही हूँ शुगर का 40 ब्रीफ शेड में और मैं इसको एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर यूज़ करूँगी। पूरे मैं अपने अंडर आईज़ और जो भी मेरे हाई पॉइंट्स है फेस के मैं उसको लगा के मैं उसको बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो बेस है ना वो पूरी तरीके से तैयार हो गया और कहीं पे भी कोई मार्क नहीं है। बहुत अच्छे से ये कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बाद मैं लूँगी लैक्मे का लूज़ पाउडर और उस लूज़ पाउडर को मैं अंडर आई एरिया पे लगा लूँगी और प्लस वहाँ पे जहाँ पे मैंने पूरा अपना कंसीलर लगाया हुआ है। तो इसको मैं पहले करूँगी बेक, इसको लगा के मैं छोड़ दूँगी थोड़े देर के लिए। एंड देन तब तक मैं आईब्रो डिफाइनर यूज़ कर लूँगी। मैं आईब्रो डिफाइनर के लिए ले रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर इन दी शेड ब्राउन और इसकी हेल्प से मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आईब्रो को फिल इन कर लूँगी। वैसे अगर मैं अपनी आईब्रो की बात करूँ तो मेरी आईब्रो थोड़ी पतली है और इतना ज़्यादा शेप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी जहाँ पे थोड़े थोड़े एरियाज़ में फिलर्स है उसको मैं अच्छी तरीके से फिल करके मैं इसी की पुली के हेल्प से उसको क्लीन कर लूँगी और आपको डिफरेंस बिल्कुल दिख जाएगा। देन मैं लूँगी हुडा ब्यूटी का रोज़ गोल्ड रीमास्टर्ड पैलेट और इसमें से मैंने कलर जो चूज़ किया है वो मैंने लिया है हीना शेड। ये एक बहुत ही अच्छा सा ब्राउन शेड है, इस हीना शेड। एंड देन उसके बाद मैं कोको शेड को लेके मैं अपने क्रीज लाइन के एरिया को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूँगी।
एंड देन मैंने लिया है एक काजल, ये वाला जो काजल है ना ये 10-20 रुपए में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। ये ब्लू हेवन का ही काजल मैंने यूज़ किया है और इसको लेके मैंने एज अ आईलाइनर की तरह थोड़ा सा मोटा बिलो दी मिड लिड के पास मैंने उसको अप्लाई कर लिया है। आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना है इसको, आप उसको बीच में रखिए और उसके बाद उसको आप ब्लेंड कीजिए। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक ब्लैक कलर का शेड ले रही हूँ फ्रॉम द सेम पैलेट विच इज़ ब्लैक ट्रफल। उस ब्लैक ट्रफल शेड को लेके मैं उसके ऊपर से अप्लाई करके बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी और उसको सिर्फ और सिर्फ आईलिड तक ही मैं रखूँगी, आईलिड के ऊपर आपको लेके नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कि आपको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, क्योंकि हार्श लाइन अगर होगा तो आपका आई शेडो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो जितना आप ब्लेंड कर सकते हैं आप उतना टाइम लगा के ब्लेंड कीजिए। हीना और कोको शेड है उसका मिक्स लेके आप अंडरलाइन एरिया पर आपको लगाना है। इसके बाद मैं लूँगी फेसेस कैनेडा का आईलाइनर, ये गोचिक आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा आईलाइनर है, बहुत अच्छा इसका मतलब पिगमेंटेशन है। उसको लेके मैं अपने आईलाइनर एरिया पे मैं उसको लगा लूँगी एंड देन मैं लूँगी एक फॉल्स लैशेस। फॉल्स लैशेस मैंने स्विस बीटी का लिया है यहाँ पे और मिस क्लेयर का मैंने एडहेसिव लिया है, उसको लगा के मैं उसको थोड़ा सा बेंड करूँगी और उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ूंगी और साइड बाय साइड में मस्करा से एक कोट अपने लैशेस पे लगा लूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्करा, इसको मैं अपने आईलाइनर लैशेस पे अच्छे तरीके से कोट करने के बाद मैं अप्लाई कर लूँगी अपने लैशेस को एंड देन अपने जो लोअर लैश लाइन है वहाँ पे मैं सेम अपने आई शेडो पैलेट से ब्लैक ट्रफल कलर लेके मैं उसको लगा लूँगी एंड देन उसके बाद जो मैंने अपने बेकिंग के लिए पाउडर को छोड़ा हुआ था उस पाउडर को लेके मैं पूरे फेस पे उसको सेट कर लूँगी अच्छे तरीके से एंड देन मैं शुगर का पैलेट लूँगी। ये शुगर का फेस पैलेट है और इस पैलेट से मैं अपना कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइट कर लूँगी। कॉन्टोर करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो हॉलो ऑफ द चीक्स है आपको वहाँ पे इसको लगाना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है वहाँ पे लेके मैं जो ब्राउन शेड है उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से कॉन्टोर कर लूँगी एंड साइड बाय साइड मैं अपने फोरहेड और जो जॉ लाइन है वहाँ पे भी मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। कॉन्टोर से आपका जो है ना एक फेस पे स्कल्पटिंग सा एक लुक आ जाता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड आपका फेस लगता है एंड एक ब्रश की हेल्प से ये एक आई शेडो ब्रश है उसकी हेल्प से मैं अपने नोज़ कॉन्टोर भी कर लूँगी। फिर एक डिफरेंट सा ब्रश लूँगी और उसके बाद फिर स्माइल करते हुए मैं ब्लश को अप्लाई कर दूँगी। ये बहुत ही पिंकिश मॉव सा शेड है, पैलेट नंबर मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं हाइलाइटर लूँगी, हाइलाइटर लेके मैं जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं मैं वहाँ पे अपने हाइलाइटर लगा लूँगी अपने चीक्स पे, अपने नोज़ पे, अपने चिन एरिया पे और थोड़ा सा मैं फॉरहेड पे भी लगाऊँगी। एंड मैंने जब अपना आईलाइनर और आई मेकअप किया था उस टाइम पे मैंने अपने आईब्रो के साइड पे मैंने नहीं लगाया था, तो मैं वहाँ पे भी ये हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ और प्लस अपने इनर कॉर्नर पे भी सेम हाईलाइटर अप्लाई कर लूँगी। या फिंगर की हेल्प से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा लुक आता है। तो ये मेरा लुक हो गया है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब मैं लूँगी वेट एंड माइल्ड का लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड गिव मी मोका, बहुत ही प्यारा सा न्यूड कलर है, एक ब्राउनिश सा शेड है, डीपर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा। देन मैं लूँगी एक मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, ये है इन कलर का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और इसको मैं पूरे फेस पे स्प्रे करके अपने मेकअप के को कर लूँगी सेट एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। इसको मैंने लॉन्ग ईयर रिंग एंड पफ हेयर स्टाइल के साथ पेयर किया है। प्लीज़ लेट मी नो आपको ये लुक कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड द कंटेंट आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आई होप यू हैव इन्जॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे।